आप लोग जानते हैं हमारे अधिकांश आदिवासी लोग आज की तारीख में कई विचारधाराओं को मानते हैं, उसके अनुसार चलते हैं, लेकिन आदिवासियत को भूलते जा रहे हैं। इसी को ध्यान में रखकर मैंने इस कविता को लिखा था। कविता का शीर्षक है विचारों के युद्ध में। विचारों के युद्ध में तुम कहाँ हो मंगरा, क्यों ढो रहे हो दुश्मनों का हथियार, क्यों हो गए हो गुलाम उनके विचारधाराओं का। क्या तुम नहीं जानते हो किसने किया तुम्हारा आदिवासियत को जमीन दोज? क्या ब्राह्मणवाद ने कभी इंसान माना तुम्हें? क्या मनुवाद ने माना तुम्हें मानव कभी? क्या संघियों ने मिट्टी में नहीं मिलाया पहचान, भाषा और संस्कृति को तुम्हारा? क्या गांधीवाद ने पहचान दिया तुम्हें? क्या अंबेडकरवाद ने सभ्य माना तुम्हें? क्या मार्क्सवाद ने स्वीकारा तुम्हारा नेतृत्व? क्या माओवाद ने तबाह नहीं किया घर संसार तुम्हारा? क्या पूंजीवाद नहीं निकल रहा तुम्हारा जल जंगल जमीन? क्या तुम बता सकते हो कौन सा दिक्कू विचारधारा खड़ा है तुम्हारे साथ? कौन बचाएगा तुम्हें विचारों के युद्ध में? यह जान लो तुम अब आदिवासियत ही है हथियार तुम्हारा। दिक्कुओं का हथियार फेंक दो मंगरा, अब उठा लो अपना हथियार। आदिवासियत ही बचाएगा तुम्हें विचारों के युद्ध में।